दोस्तों आज के दौर में फ्रिज तो लगभग हर घर में होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आज के दौर में लोग फ्रिज तो ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों फ्रिज के लिए बेस्ट स्टेबलाइजर कौन सा है, ठीक है दोस्तों, ये नहीं ले पाते हैं कि फ्रिज के लिए सबसे बेस्ट स्टेबलाइजर क्या है और किस प्रकार का हमें स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। दोस्तों स्टेबलाइजर तो बहुत सारी है, लेकिन स्टेबलाइजर आज जो मैं बताने वाला हूँ उस स्टेबलाइजर में कुछ खास बात होगी। दोस्तों मैं किसी कंपनी की ये नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ये कंपनी का लीजिए वो कंपनी का लीजिए। दोस्तों हर कंपनी में वो फीचर वाला स्टेबलाइजर मौजूद है, बनाया हुआ है कंपनी ने, उस स्टेबलाइजर को आप लगाएंगे, अरे 200-400 रुपया ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके फ्रिज के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके फ्रिज के लिए बेस्ट स्टेबलाइजर कौन सा होना चाहिए और क्या फीचर वाला होना चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इरशाद और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रॉयल इलेक्ट्रिक ज्ञान में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के दौर में जो भी फ्रिज आती है उसमें सब में लिखा होता है इनबिल्ट स्टेबलाइजर, ठीक है दोस्तों, 100 से 300 या जो भी हो 110 से 300। लेकिन दोस्तों इसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजर कंपनियां क्लेम करती है कि इनमें स्टेबलाइजर है, लेकिन दोस्तों आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप कभी भी आपको 3,3200 रुपये का चूना लग सकता है अगर आपने अलग से स्टेबलाइजर नहीं लगा रखा है तो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए अब फ्रिज के लिए क्या बेस्ट स्टेबलाइजर है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारे पास लुमिनस का स्टेबलाइजर है जो पर्सनली मैं अपने घर में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसका मैं आप लोगों को मॉडल नंबर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं TR100D4, ये इसका मॉडल नंबर है और ये आप लोग सिंगल डोर से लेकर के डबल डोर के फ्रिज तक आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं XL ये है, स्टेबलाइजर 100 वोल्ट अप टू 450 लीटर रेफ्रिजरेटर, यानी कि 450 लीटर डबल डोर वाला जो आपका फ्रिज है उसमें भी आप लगा सकते हैं। इनपुट वोल्टेज रेंज 100 से 280 तक, यानी कि आपका वोल्टेज अगर 100 भी आ रहा है या 280 भी आ रहा है उसको भी आपको ये तोड़ फोड़ करके जितना आपके फ्रिज को एक्चुअल में वोल्टेज चाहिए होगा उतना ही वो देगा, ठीक है दोस्तों। और सबसे इसमें ख़ास बात ये है दोस्तों, ये जो स्टेबलाइजर है इसमें टाइमर सेट है। दोस्तों टाइमर क्या होता है? दोस्तों टाइमर ये होता है कि हमने किसी भी चीज़ में टाइम सेट कर दिया और उसमें हमने सेट कर दिया कि 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो चीज़ हो जाए। तो दोस्तों उसी प्रकार से इसमें टाइमर सेट है कि अगर हम जिस टाइम इसमें लाइन देंगे या लाइन आएगा तो उसके 3 मिनट के बाद ये सप्लाई देगा। दोस्तों इसमें ये एक प्लस पॉइंट है। और दोस्तों मार्केट में बहुत ऐसा स्टेबलाइजर मौजूद है, हर कंपनियां बनाती हैं 3 मिनट 1.5 मिनट टाइमर सेट वाला जो टाइमर होता है 3 मिनट का 1.5 मिनट का। और दोस्तों बहुत ऐसा स्टेबलाइजर है जो कम रेंज में मिल जाती है जिसमें टाइमर नाम का कुछ चीज़ होता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए बात कर लेते हैं कि हम जिसमें टाइमर सेट नहीं है उसमें लाइन आया, जैसे मान लीजिए कि हमारा लाइन अगर ठीक है वोल्टेज तो सही है कोई बात नहीं है, लेकिन लाइन आया हमारा 400 वोल्टेज। तो दोस्तों अगर हमारा 400 वोल्टेज अगर आ रहा है तो 1 सेकेंड के अंदर या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के अंदर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल कर ले, दोस्तों वो भी स्टेबलाइजर कंफ्यूज हो जाएगा और आपके इधर यानी कि वो आउटपुट निकाल करके सप्लाई जो है वो फ्रिज को दे देगा 300 हो या 350 हो या जो भी हो 400 ही दे दे, तो उससे क्या होगा कि आपका फ्रिज ख़राब हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगा और स्टेबलाइजर भी ख़राब होगा और आपका फ्रिज भी ख़राब होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 1.5 मिनट टाइमर वाला या 3 मिनट टाइमर वाला यूज़ कर रहे हैं स्टेबलाइजर, बड़ा वाला फ्रिज हो छोटा वाला फ्रिज हो किसी में भी आप यूज़ कर रहे हैं, टाइमर अगर है उसमें तो आप जैसे ही उसमें लाइन उसमें आएगा अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है तो जब तक 3 मिनट नहीं होगा तब तक ये आपके फ्रिज को सप्लाई नहीं देगा। उसके बीच में अगर आपका स्टेबलाइजर फूक गया तो फूक गया कोई बात नहीं है, लेकिन आपका फ्रिज तो नहीं ख़राब होगा ना, फ्रिज नहीं ख़राब हो सकता है, ठीक है दोस्तों, आपका स्टेबलाइजर ही ख़राब होगा। तो दोस्तों आप लोग कभी भी स्टेबलाइजर लगाएं तो टाइमर वाला ही स्टेबलाइजर लगाएं, कम से कम दोस्तों 1.5 मिनट का तो टाइमर उसमें होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग कम से कम 1.5 मिनट का टाइमर वाला स्टेबलाइजर लगाएं, ये दोस्तों 3 मिनट का टाइमर वाला स्टेबलाइजर है, ठीक है दोस्तों। आप ये भी लगा सकते हैं और 1.5 मिनट का भी टाइमर वाला लगा सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप लोग 3 मिनट वाला लगाइए तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस स्टेबलाइजर का ज़्यादा
कीमत भी नहीं है, ज़्यादा पैसा भी नहीं है दोस्तों। 2000 के रेंज में ये स्टेबलाइजर आ जाता है और 2000 से 2500 तक में आपको बढ़िया से बढ़िया स्टेबलाइजर आ जाएगा। और जब भी आप स्टेबलाइजर लगाएं तो टाइमर वाला ही स्टेबलाइजर लगाएं, आपके फ्रिज के लिए बहुत ही कारगर होगा और आपके फ्रिज को जल्दी ख़राब नहीं होने देगा, आपके फ्रिज का लाइफ डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अब गलत फहमी में ना रहें कि हमें फ्रिज में स्टेबलाइजर नहीं लगाना है। दोस्तों आप लोगों को फ्रिज में स्टेबलाइजर लगाना ही है और आप किसी भी कंपनी का आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लुमिनस ही लगाएं, किसी भी कंपनी का लगाएं, लेकिन दोस्तों उसमें टाइमर होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो देख करके आप भी एक बेस्ट स्टेबलाइजर अपने फ्रिज के लिए चुन पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों बहुत ऐसी वीडियो मैंने बना रखी है इस चैनल पे, फ्रिज से भी रिलेटेड है, वॉशिंग मशीन से रिलेटेड है, हर चीज़ से रिलेटेड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हर तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।